गणपति गणेश और कुमार कार्तिकेय की प्रतिस्पर्धा में गणेश जी विजयी तो हुए, लेकिन कुमार कार्तिकेय माता पिता से रूठकर क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। माँ पार्वती जो है पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हुई। शिव जी ने उमा को बहुत समझाया और देवर्षि नारद को कुमार के पास समझाने के लिए भेजा। नारद जी ने भी कुमार से प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कैलाश लौटना स्वीकार नहीं किया। तब देवी पार्वती को लेकर भगवान शंकर जो है कुमार कार्तिकेय के पास गए। पर्वत पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। देवी पार्वती का नाम वहां मल्लिका हुआ। तब से उस पर्वत को श्रीशैल पर्वत और उस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया। माता पिता का आगमन सुनकर कुमार कार्तिकेय वहां से 3 योजन दूर जिस पर्वत पर निवास करने गए, उसका नाम कुमारगिरी हो गया। और अमावस्या को शिवजी और पूर्णिमा को पार्वती जी पुत्र के दर्शन के लिए यहाँ पर आती हैं।